वेट के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं कि 4 तारीख को श्रीनगर में सीआरपीएफ के नाका पर अटैक हुआ था, डेडली अटैक, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए थे, एक जख्मी हो गए थे। उसी दिन से श्रीनगर पुलिस उसको ट्रैक कर रही थी। कल रात जब पॉइंट हो गया था, उसके सीआरपी पुलिस ने कॉटन डाला, फायरिंग शुरू हो गया इनकाउंटर, उसमें दोनों पाकिस्तानी लश्कर तबा के कई मारे गए हैं। ये दोनों आपने कहा कि इन्वॉल्व थे जो सीआरपीएफ के हमला, बिल्कुल रिसेंटली 4 तारीख। इसके अलावा बहुत सारे ग्रेनेड थ्रो में अटैक था, बहुत पिस्टल शूटिंग में अटैक था, और आप लोग प्रेस रिलीज में डिटेल शेयर करेंगे। सर, मिलिटेंट जहां पर होंगे उन प्रॉपर्टीज को भी अब आप? बिल्कुल, प्रॉपर्टी को सीज करेंगे, जहां जहां इनकाउंटर हो रहा है, चाहे हेडआउट मिला जाएगा, जो पनाह देंगे, हार्बरिंग करेंगे, वो प्रॉपर्टी जब्त होगा। सर, तो कितनी बड़ी सक्सेस आप समझते हैं इसको? ये पुलिस सीआरपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, और हमको और काम करना है, और इसका नंबर टेरिस्ट को और नीचे ले जाना है, और काम करते रहेंगे। सुरक्षा बलों की तरफ से कोई घायल हुआ सर? 2 पुलिस के जवान, 1 सीआरपीएफ जवान जख्मी है, दोनों स्टेबल है। अभी एनकाउंटर ओवर है? एनकाउंटर ओवर है सर। दोनों पाकिस्तानी है, जिन्होंने